रोशनी मेरी बात अच्छी तरह से समझ। अगर इसी तरह बिना किसी सबूत के तुमने अपने बेटे की पत्नी पर आरोप लगाए ना, तो तुम अपने बेटे से आज का हवन संपन्न, कल से करेंगे महापूज, जिसमें हम ये साबित कर देंगे कि वो लड़की नीरजा, उसी के अंदर काली शक्तियों का साया बसता है और वही कर रही है तेरे घर में काला जादू। काली शक्तियों के साये में कई घर बर्बाद हुए हैं, लेकिन हम तेरा घर बर्बाद नहीं होने देंगे। कल से 3 दिन का महाहवन होगा और इस अज्ञानी को भी विश्वास हो जाएगा कि इसकी पत्नी के अंदर काली शक्तियों का साया वास करता है। ये लड़ी हमें भी तो सा चाक करूंगी पागल औरत। असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अभी ये होता है कि हम जानना चाहते हैं कि काला जादू कर कौन रहा है इस परिवार में, जो मैं कर रही हूँ। बट ऑफ कोर्स मैं ये चाहती हूँ सबको लगे कि नीरजा कर रही है काला जादू। तो हम एक हवन करते हैं, उस हवन के हिसाब से ये होता है कि जो इंसान हवन खत्म होने के बाद सबसे पहले बीमार पड़ता है, उस इंसान ने काला जादू किया है। तो जब हम जब लालटू दा पानी देने जाते हैं नीरजा को, तब मैं उसमें थोड़ा सा दवाई घोल देती हूँ। और जैसे ही हम देखने जाते कि कौन है जो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, हम देखते हैं कि हम सब तो ठीक है, बची नीरजा। जब हम नीरजा की तरफ जाते हैं तो वो हो गई है एकदम नशे में, ढुमकी बैठ गई है, पागलों की तरह बिहेव कर रही है। तो इसमें मेरा विन विन हो गया है। तो मैं इस वाले जो मैंने प्लानिंग की थी इसमें तो मैं सक्सेसफुल हुई। यस दिदुल मेरे से ही मिली, हम दोनों मिले हुए लोग हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो हमने ये सोचा है कि वो चाहती है कि नीरजा सोनाकाची में, मैं चाहती हूँ कि नीरजा यहाँ से चले जाए। तो हम दोनों का ही बेनिफिट है, बस नीरजा बागची परिवार छोड़ दे भैया, वापस जाए अपनी सोनाकाची, खुश रहे, मुझे मेरा अमीर दे दो, मैं ठीक हो जाऊँगी, फिर मुझे ये सब काला जादू कुछ नहीं करना है, बस मुझे मेरा अमीर चाहिए और कुछ नहीं। बहुत कुछ होने वाला है, अब तो ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो अब मेरे को समझ आ रहा है कि ऐसी सब चीज़ें करती रहूँगी तो लोग मेरे तरफ आ जाएंगे और मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। 19 साल के जो मैंने प्यार किया था एक लड़के को, वो प्यार मुझे वापस मिल जाएगा। तो मैं बस उसी कोशिश में हूँ। करेक्ट, प्यार, हाँ राइट, यस। तो मैं पहले तो पता है मैंने ना एक कमेंट रीड किया कि एक इंसान लिख रहा है, इतना बड़ा वो इतना अफेक्ट हो गया था इस बात को लेके कि मैं आ गई हूँ, इतना बड़ा कमेंट उसने किया है, मुझे पर्सनल मैसेज भी आया उस इंसान का। तो उन्होंने लिखा कि अगर तुम अबीर से प्यार करती थी तो तुमने अबीर से शादी क्यों नहीं की। तो
तो अब मैं बताती हूँ जिनको समझ नहीं आया है। मैं और अबीर हम शादी कर ही रहे थे बट मंडप पे आग लग जाती है एंड मुझे आग लग जाती है, तो सबको लगता है मैं मर गई हूँ। पर मेरे डैड मुझे US लेकर जाते हैं मेरे ट्रीटमेंट्स के लिए एंड एवरीथिंग। उसके बाद मैं 2 साल के बाद वापस आई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि त्रिशा भाग जाती है, तो त्रिशा पैसों के लिए बागची परिवार के साथ है। त्रिशा 4 गुना अमीर है इनसे, मैं इनको खरीद सकती हूँ पूरा, इतने पैसे मेरे पप्पा के पास। बट नहीं, त्रिशा सिर्फ अबीर को प्यार करती है इसलिए वो अबीर के पास आई है। एंड जब आप किसी को प्यार करते हो यार, वो 19 साल की थी जब से वो लोग अफेयर में थे, और सडनली आपको आपको अच्छा लगेगा आपका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है या तो आपकी गर्लफ्रेंड, नहीं अच्छा लगेगा, तो इसको भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसलिए ये सब कर रही है बेसिकली। तो इट्स फन टू प्ले दिस कैरेक्टर, अच्छा तो लग रहा है, मज़ा तो आ रहा है। लोगों को भी, कुछ कुछ लोगों को मैं पसंद आ रही हूँ, कुछ कुछ लोग मुझे इतने बापरे मैसेजेस करते रहते हैं, बस करो भैया, मैं असली में ऐसी नहीं हूँ। मेरे को अगर आप जानोगे, मुझे जानोगे अलमा को, तो मैं अच्छी इंसान हूँ, प्लीज मुझे अटैक मत किया करो। तो ये है, मैं ये बोलना चाहूँगी प्लीज हमारा शो देखते रहिए 8:30 मंडे टू संडे। हम बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों के साथ आ रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो लेट अस नो आपको कैसा लग रहा है शो, एंड बस देखते रहिए।